जिला सोलन मुख्यालय में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर शहर में भगवान श्री गणेश की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस भव्य शोभा यात्रा में भारी संख्या में भक्त उपस्थित हुए और इसके साक्षी बने। शोभा यात्रा के पश्चात रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की मूर्ति को लक्कड़ बाजार में स्थापित किया गया। 9 दिन के पश्चात इस मूर्ति को गंगा जी में विसर्जित किया जाएगा। गणेश चतुर्थी का लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने विधिवत गणेश जी की पूजा अर्चना करके उन्हें मोदक व केले का भोग लगाया। शोभा यात्रा के आयोजक व दुर्गा सेवा समिति के प्रधान देवकी नंदन गुप्ता ने बताया कि 8वां गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। उन्होंने बताया कि गणेश जी की मूर्ति की विधिवत पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा के बाद उनकी स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि 9 दिन बाद गणेश जी को विसर्जित किया जाएगा। 8वां गणेश उत्सव श्री दुर्गा सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो की बड़े हर्षोल्लास के साथ और हमारे सभी जितने धर्म प्रेमी जनता लक्कड़बाजार में रहने वाले लोग पूरा सहयोग देते हैं और ये हमारा कार्यक्रम 8 दिन तक चलेगा और यहाँ स्थापित करके मंदिर में उसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी और सायंकालीन में फिर पूजा होगी। यह कार्यक्रम हमारा आने वाले मंगलवार तक चलेगा। सुबह 7 से 8 तक पूजा, सायंकाल 7 से 8 तक पूजा, पूजा के उपरांत सायं में भंडारा भी होता है, जो कि गणेश सज्जनों की ओर से ही आयोजित किया जाता है। और यह कार्यक्रम हमारा होने के उपरांत मंगलवार को दिन में 2 बजे के आसपास भंडारे के उपरांत गणेश जी का विसर्जन श्री गिरी गंगा में किया जाता है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी वैसे ही कार्यक्रम किया जाएगा और सभी लोगों का पूरा सहयोग हमें मिलता है।